मेरी बेटी फाइटर है, वो इससे फाइट बैक जरूर करेगी। ये जो है रिया चक्रवर्ती की मदर संध्या चक्रवर्ती जी का बयान है। क्या कहना है उनका, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी। कल रिया 28 दिन के बाद जब घर आई, उनका ये कहना है कि जिस दिन मुझे पता चला कि उसकी न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी जैसी जो है और 20 तारीख तक बढ़ गई है, तो मेरे जो पति हैं वो तो बेहोशी हो जाते हैं। कल जब वो घर पर आई है, उसने देखा हम लोग उदास है, तो उसने कहा कि उदास क्यों होना है, हमें इससे फाइट बैक करना है। ये सब बातें करते हुए संध्या चक्रवर्ती जो हैं रो भी पड़ी। उन्होंने टाइम्स को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि भगवान है, देयर इज़ अ गॉड, और वो सब कुछ देख रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पति जो हैं इंद्रजीत जी, वो तो कोलैप्स ही हो जाते जब उन्हें पता चला कि NDPS कोर्ट में जो है उनको रिया और शौविक दोनों को 20 तारीख तक जो है कस्टडी बढ़ा दी गई है। वट शी हैज़ गॉन थ्रू, हाउ विल शी हील फ्रॉम दिस, मुझे ये नहीं पता कि उसने ये सब झेला है, वो उससे कैसे हील होगी। लेकिन मुझे इतना पता है कि उसको जो है टारगेट बनाया गया है, और सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है देश का जिसने उसे टारगेट बनाया है। अब मुझे नहीं पता वो इससे कैसे निकलेगी। मैं उसको जो है आई विल हैव टू पुट हर ऑन थेरेपी टू हेल्प हर गेट ओवर दिस ट्रॉमा एंड रिक्लेम हर लाइफ। While it is a relief she is out of prison, it's crazy, it is still not over. वो भले ही जेल से बाहर आ गई हो लेकिन ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। मेरा बेटा तो अभी भी जेल में है, सलाखों के पीछे हैं। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, मैं इन्हीं बातों को सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। उनका ये भी कहना है कि मेरी बेटी जब कल घर आई, उसने देखा कि हम लोग जो हैं उदास हैं, तो उसने ये भी बोला कि आप लोग जो है इतने उदास क्यों हो, वी What do you look? Why do you look sad? We have to fight back this. But who are we fighting? लेकिन उनका ये कहना है कि हम किस किस से लड़ें, कौन है? हर कोई तो जो है ऐसा लगता है कि मेरी बेटी पर उंगलियां उठा रहा है। तो इस तरह संध्या चक्रवर्ती जी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ज़रूर वापस आई है लेकिन मेरा बेटा अभी भी सलाखों के पीछे है। मेरी बेटी को टारगेट बनाया गया है, मुझे नहीं पता कि उसके मन में जो ये कड़वाहट आई है वो कैसे निकलेगी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो फाइटर है और इन सारी चीज़ों से फाइट बैक ज़रूर करेगी। वहीं सतीश माने शिंदे ने भी NDTV को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो बंगाली टाइग्रेस है, मैं उससे मिलने जेल में भी गया था, वहाँ पर भी वो योगा करती थी, उसने अपने इनमेट्स को योगा सिखाया। तो इस तरह रिया 28 दिन के बाद जेल से निकली है। जाहिर सी बात है किसी भी मदर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल समय रहा होगा ये 28 दिन। तो ऐसे में उनकी मदर ने टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि मुझे बस विश्वास है कि मेरी बेटी फाइट बैक ज़रूर करेगी। हालांकि अभी CBI जांच चालू है, एम्स ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी है या नहीं इस बारे में भी कोई भी जो है ऑफिशियल बयान नहीं आया, और CBI ने अपने दूसरे चरण की जो जाँच शुरू की है उसमें अबेटमेंट ड्यू सुसाइड में जो सुशांत की फैमिली ने FIR दर्ज कराई थी उसी FIR के आधार पर फिलहाल CBI अपनी जाँच कर रही है। और अगर सूत्रों की माने तो CBI जो है कई चरणों में वापस मुंबई आती जाती रहेगी। पहली बार वो आई, उसने एक फाइनल एनालिसिस रिपोर्ट जो है तैयार किया है, वो दूसरी बार आई है, फिर वो वापस जाएगी, एक एनालिसिस तैयार करेगी, फिर ज़रूरत हुई तो तीसरी बार भी आएगी। तो इस तरह CBI ने अभी तक अपनी फाइल जो है क्लोज नहीं की है। ऐसे में देखना होगा कि CBI को जो है अपनी फाइनल फाइंडिंग में क्या मिलता है।